अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रफ़ी एंड सेंस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अहमद सुहेल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म के क्यू ब्लॉक का ओवरव्यू। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म के क्यू ब्लॉक में आप कहाँ से एंटर हो सकते हैं, और यहाँ पर एक कनाल के प्लॉट्स हैं, 10 मरला के प्लॉट्स हैं और 5 मरला के प्लॉट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको, उनके प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ऑन ग्राउंड आपको लेकर चलूँगा कि प्लॉट्स कहाँ पर जो हैं और इनकी प्राइस रेंज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और किस प्राइस तक जो है ये प्लॉट्स आपके जाते हैं। नवाज शरीफ इंटरचेंज से अगर हम आगे आएँ बेदिया रोड से होते हुए, तो इसकी जो हम एंट्रेंस पर अगर जाते हैं डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म के क्यू ब्लॉक में, तो इसकी एंट्रेंस में अगर हम देखें तो ये अस्करी 11 से इसकी एंट्रेंस जो है वो बन रही है, और ये अब हम आगे फर्दर जो है इसमें जा रहे हैं डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म के क्यू ब्लॉक। ये हम अस्करी 11 से जिस तरह ही यहाँ से हम अपना एग्जिट लेते हैं, तो ये साथ ही हमारे अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो ये डी एच ए फेज़ 9 टाउन जो है यहाँ पे ये स्टार्ट होता है, और हम डी एच ए फेज़ 9 टाउन और ये अस्करी 11 के राइट साइड पे ये अपार्टमेंट्स हैं, इनके दरमियान से हम होते हुए जो है ऑनवर्ड्स हम जाएंगे डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म के क्यू ब्लॉक में। ये लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट पर जो है यहाँ पर ये डी एच ए फेज़ 9 टाउन का जो है ये सी ब्लॉक है, और हमारे राइट साइड पर जो है ये अस्करी 11 का जो है ये अपार्टमेंट्स है। ये डी एच ए फेज़ 9 टाउन के डी ब्लॉक से हम जिस तरह यहाँ से अपने राइट साइड पर जाते हैं राउंड अबाउट से, तो ये हम सीधा एंटर होते हैं डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म में। अब आप देख सकते हैं ये सीधा रोड जो है ये डी एच ए फेज़ 9, अब हम इसमें प्रिज्म में एंटर हो चुके हैं, और ये आप हमारे राइट साइड पर देख सकते हैं ये डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म का ए ब्लॉक है, और राइट साइड पे इसका ए ब्लॉक है, और हमारे लेफ्ट साइड पे जो अभी स्टार्ट होगा इसका वो क्यू ब्लॉक जो है स्टार्ट होगा, जिसका आज हम आपके लिए ओवरव्यू लेकर आए हैं। तो जैसे ही आप इसमें आगे आते हैं, ये सबसे पहले हमारा यहाँ पे राउंड अबाउट आता है, और राउंड अबाउट से जैसे ही हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते हैं तो ये सारा हमारा आगे जो है ये क्यू ब्लॉक जो है डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म का क्यू ब्लॉक स्टार्ट होता है। ये डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म क्यू ब्लॉक का 150 फुट रोड है जिस पर अभी हम जा रहे हैं। हमारे लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं ये सारे प्लॉट्स हैं, और डेवलपमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये अब हम आ चुके हैं डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म के क्यू ब्लॉक में, जिसका अभी मैं आपको बता रहा था कि आज हम इसका आपको ओवरव्यू देने वाले हैं। और डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म का क्यू ब्लॉक ये ऑलमोस्ट सारा आप देख सकते हैं कि डेवलप हो चुका है, और जिस तरह मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम जो है वो हो चुका है, डी पी पोल यहाँ पर रेडी हैं, और ये ब्लॉक जो है वो रेडी टू पोजेशन है। यहाँ पे अगर हम पोजीशन की बात करें तो डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म के सबसे पहले जिनमें पोजीशन आने वाला है वो पी क्यू आर, ये तीन ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनमें सबसे पहले जो है डी एच ए पोजीशन जो है वो अनाउंस करेगा, और डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रेडी टू पोजीशन है यहाँ पे सारा एरिया। ये डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म का एक तो सबसे बेस्ट अगर हम किसी ब्लॉक की बात करें तो उनमें क्यू ब्लॉक जो है वो टॉप पर आता है। यहाँ पे एक कनाल के प्लॉट्स भी हैं, 10 मरला के प्लॉट्स भी हैं, और यहाँ पे 5 मरला के कुछ लिमिटेड प्लॉट्स हैं, जिनका हम आपको आगे जाकर बताएंगे कि यहाँ पर उनकी प्राइस रेंज जो है वो क्या है। तो अभी ये डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म का क्यू ब्लॉक का मेरे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर इसका ये थीम पार्क है, जिसका अभी मैं आपको बता रहा था कि किसी भी इसके ब्लॉक में थीम पार्क नहीं है डी एच ए फेज़ 9 के। क्यू ब्लॉक एक इसका वाहिद ऐसा ब्लॉक है जहाँ पर ये थीम पार्क दिया गया है। थीम पार्क का बेसिक जो मकसद होता है वो बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए उस पार्क में जो है काफ़ी वो चीज़ें लगाई जाती हैं जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। डी एच ए फेज़ 9 प्रिज्म के इस क्यू ब्लॉक में अगर हम बात करें प्लॉट्स की, तो यहाँ पर आपको एक कनाल के प्लॉट भी मिलते हैं, और 10 मरला के भी हैं, और 5 मरला के भी कुछ लिमिटेड प्लॉट्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर हम प्राइजेस की बात करें, एक कनाल का प्लॉट जो है यहाँ पे वो स्टार्ट होता है तकरीबन आप कह लें तो 25 से लेकर और 300 तक जो है यहाँ पर एक कनाल प्लॉट की जो प्राइजेस हैं वो हैं। और अगर आप यहाँ पे बात करें कि एक अच्छा प्लॉट आपको जो है वो किस प्राइस तक मिलता है एक कनाल का, तो वो आपको मिलता है अराउंड 260-275 या इस प्राइस में आपको एक अच्छा और अच्छी लोकेशन का जो है वो प्लॉट मिलता है यहाँ पे।
और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे के 10 मरला प्लॉट जो है वो आपको यहाँ पर किस प्राइस पर मिलते हैं, 10 मरला प्लॉट की प्राइजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 मरला प्लॉट की प्राइजेस ऑलमोस्ट स्टार्ट होती हैं 125 to 155। और अगर हम बात करें कि आपको अच्छा प्लॉट कहाँ पर मिलता है, एक मिडिल प्लॉट जो होता है जो एक अच्छी लोकेशन पर भी आ रहा हो, वो आपको प्लॉट अराउंड मिलता है 140। ये 10 मरले के प्लॉट में आपको बता रहा हूँ, 10 मरले प्लॉट का। और उसके बाद 5 मरला की अगर हम यहाँ पे बात करें, 5 मरला के यहाँ पे बहुत ही एक तो लिमिटेड प्लॉट्स हैं और उनकी प्राइजेज़ की अगर हम बात करें तो 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइजेज़ यहाँ पे 80 to 90 lakh जो है वो है, मतलब 80 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए तक जो है यहाँ पर DHA फेज 9 प्रिज्म के क्यू ब्लॉक में आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर DHA फेज 9 प्रिज्म के क्यू ब्लॉक में आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, या आप यहाँ पे अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं, या आप अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको असेसमेंट भी देंगे आपके प्लॉट की के राइट नाउ आपके प्लॉट की असेसमेंट जो है वो क्या है, मार्केट वैल्यू आपके प्लॉट की क्या है, और अगर आप अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं तब भी आप हमसे उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा DHA फेज 9 प्रिज्म का ओवरव्यू, जिसमें हमने आपको बताया कि यहाँ पे प्लॉट प्राइजेस क्या हैं, ऑन ग्राउंड हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पे, और थीम पार्क का हमने आपको यहाँ पर बताया है। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि हम DHA फेज 9 प्रिज्म के कुछ और ब्लॉग्स की वीडियोज़ भी जो है वो बनाएँ, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसमें कमेंट करके बताएं आप क्या हमसे नेक्स्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम किस ब्लॉग की वीडियो जो है वो बनाएं, और हमारा चैनल जो है वो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।